राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने निवास से आभार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि शिवराज कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और आज किसानों का कृषि क्षेत्र का क्या हाल है यह पूरा प्रदेश जानता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि मैं ओबीसी का रक्षक हूं, मगर आज तक ओबीसी आरक्षण 27% तक नहीं हुआ है। जब हमारी सरकार आई और हमने इस पर काम किया तो यह लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया है। आज किसान कृषि क्षेत्र का क्या हाल है पूरा प्रदेश जानता है। 18 साल जरूर है कि मैं आपका मामा हूँ। आज महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 28 साल शिवराज सिंह जी कहते रहे कि मैं ओबीसी का रक्षक हूँ और आज तक क्या है। आज तक हमारे पिछड़ी जातियों का ओबीसी का 27% नहीं हुआ।